सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज भी कुछ तूफानी सीखते हैं। आज हम लोग क्या करने वाले, एलईडी रिपेयर करने वाले रिपेयर नहीं, हम लोग सीखने वाले हैं कि एलईडी के अंदर क्या होता है, कैसा काम करते हैं और अगर ख़राब होगी तो कैसा ठीक करना है इसको, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखने से हम इतना गारंटी दे सकते हैं कि आपके घर में अगर एलईडी ख़राब हो गया आप उसको आराम से ठीक कर लेगा, ठीक है। चलिए पहले क्या, इसको खोलना कैसे, देखिए सामने जो व्हाइट पोर्शन है ये खुलेगा, ठीक है। इसको रख के मार्तुल से मारी कुछ से कुछ हिट करने से क्या, अंदर में ग्लू जो है ना वो ग्लू फट जाएगा, उससे बहुत सख्त रहता है, फट जाएगा तो आप ये निकाल सकता, ठीक है। तो मेरा मार्तुल तो यही है, ठीक है, हम खोल देता, आप लोग मत कीजिए, ठीक है, पहले से हम खोल के रखा था, ठीक है, मार्तुल से मार के। तो चलिए अंदर क्या है देख लेते हैं, ठीक है। अंदर में देखिए एक एलईडी की स्ट्रिप है, ये देखिए, ठीक है। ये स्ट्रिप को भी हम लोग निकालना है, तो अंदर क्या एक बोर्ड है जो कि एसी को डीसी करता है, जो रेक्टिफायर बोर्ड है वो रहेगा। तो एलईडी स्ट्रिप और हीट सिंक के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, एक एल्युमिनियम का हीट सिंक भी है, देखिए तो हीट सिंक के साथ कनेक्टेड है, तो इसको निकाल देते, ठीक है। स्क्रू ड्राइवर ऐसे डाल के अब मोड़ने से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको निकालने का मतलब क्या है कि अंदर एक वायर रहेगा, उसको आप काट दीजिए, ठीक है। ये देखिए ये जो एलईडी का स्ट्रिप है, ठीक है, ये वायर हम काट दे दीजिएगा, और अंदर का इसको भी हम निकाल देता, ये देखिए ये है बोर्ड, ठीक है। ये जो है एसी को डीसी करता है, बोर्ड रेक्टिफायर बोर्ड है और अंदर कुछ नहीं है, देखिए, ठीक है। तो या तो ये बोर्ड खराब है नहीं तो एलईडी खराब है, ठीक है, दो ही चीज़ तो है ना, ठीक है। तो पहले हम लोग एलईडी खराब होने से कैसे ठीक करना वो हम लोग इसमें सीख लेते, अगर वीडियो ज़्यादा लंबा होगी तो पार्ट टू में बोर्ड सिखाएगा हम, ठीक है। तो पहले देखिए ये जो एलईडी का ये है ना, इसमें 14 LED है, ठीक है, 14 LED है, ये है फिलिप्स का, ठीक है, ये फिलिप्स का है, इसमें 14 LED है 7 W। तो आप क्या करिए, सारा कंपनी का अलग अलग होएगा, ठीक है, किसी का होएगा कि 7 W में 15 LED है, ठीक है, किसी का 20 LED है, किसी का 25 LED है, ठीक है। तो कंपनी के ऊपर है और वाटेज का रेटिंग के ऊपर भी है कि कितना LED यूज़ होएगा, मोस्टली आप पकड़ लो 15 से ज़्यादा यूज़ होएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना, ये सारा LED सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। अभी सीरीज कनेक्शन क्या है भाई, वो हम बता देता, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलो देखो आप लोग, ठीक है, ये जो है आपका LED है, ठीक है, जो सामने का पैनल है ना, पैनल है, ठीक है, इसमें बोलने से देखो ये LED का सिंबल, ठीक है, सारा LED सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है बोले से देखिए, इसका सोचिए प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, माइनस है प्लस है, ठीक है, ये डॉट डॉट है, बोले से 15 LED है तो 15 ड्रॉ करना थोड़ा इम्पॉसिबल है, बोले से बड़ा हो जाएगा, तो डॉट डॉट बोले से पकड़ लो 15 LED है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव से, ये हो गया सीरीज कनेक्शन, ठीक है, इसको सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। इसमें क्या है कि आपका करंट जो फ्लो होएगा वो इक्वल फ्लो होएगा, मतलब सारा LED से सेम करंट फ्लो होएगा, पकड़ लो 1 mA फ्लो होता है, 100 mA पकड़ लो, 100 mA फ्लो होता है, सारा LED से 100 mA फ्लो होएगा, ठीक है। अभी देखिए ये पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, प्लस है माइनस, ठीक है। इसमें देखिए LED का सारा प्लस जो है बैटरी का प्लस से कनेक्टेड है, और LED का सारा माइनस जो है बैटरी का माइनस से कनेक्टेड है, ठीक है, LED का सारा माइनस जो है माइनस से कनेक्टेड है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, ठीक है, देख लीजिए आप, हो गया। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या है कि करंट सेम होना जरूरी नहीं है, बट वोल्टेज सेम रहेगा, बोलने से अगर ये LED L1 है, ये L2 है, तो L1 का दो टर्मिनल प्लस और माइनस के बीच में 12 V है, तो L2 का दो टर्मिनल के बीच में भी 12 V होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी LEDs विल बी इक्वल, समझ में आ गया, लेकिन करंट सेम होना जरूरी नहीं है। करंट सेम क्यों नहीं होएगा वो भी हम बता देता, ठीक है। अभी देखिए ये L1, L2, L3, L4 इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो पैरेलल में कनेक्टेड है ना, सारा LED का इंटरनल रेजिस्टेंस होता, तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस थोड़ा भी फ्लेक्चुएट, बस थोड़ा भी इधर उधर है, बस एकदम सेम नहीं है, ऑब्वियसली इधर उधर रहेगा थोड़ा से रहने से भी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का टाइम ऐसा नहीं है कि सारा का सेम रहेगा इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस थोड़ा से भी इधर उधर रहेगा तो वो हिसाब से इसका करंट जो फ्लो होएगा वो भी चेंज होएगा, ठीक है,
तो बोलने से किसी का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उस पर कम फ्लो होएगा, किसी का रेजिस्टेंस कम है तो उसका ज़्यादा फ्लो होएगा, समझ आ गया। लेकिन सीरीज वाला में कैसा था देखो, अगर सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी वैरी करता है, सबका सेम नहीं है, फिर भी जो करंट फ्लो होएगा पूरा सर्किट में सेम फ्लो होएगा, समझ में आया। क्योंकि ये पूरा बैटरी का लोड क्या है, ये पूरा का कॉम्बिनेशन बैटरी का लोड है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है कि बैटरी का लोड इंडिविजुअल लोड है, एक इंडिविजुअल लोड है, एक इंडिविजुअल सारा इंडिविजुअल लोड है। तो इसका अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा तो इसमें बैटरी कम करंट डिलीवर करेगा, ठीक है। सिमिलरली सीरीज में क्या है, अलग है उसका, क्योंकि उतना डीप नहीं जाके हम बताया था, जो सर्किट है इसमें जो एलईडी कनेक्शन है सब सीरीज में, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन में देखिए, कोई भी एक एलईडी पकड़ लो, लास्ट वाली एलईडी, ये एलईडी फ्यूज़ हो गया, ठीक है, ख़राब हो गया, तो क्या होएगा पता, पूरा सर्किट ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एलईडी अगर फ्यूज़ हो गया, ठीक है, सोचो उसका फिलामेंट ए हो गया, कुछ हो गया, एलईडी फ्यूज़ हो गया, तो मतलब से ये सर्किट ब्रेक हो गया, ओपन हो गया सर्किट, ठीक है। अब देख लो, एक एलईडी अगर फ्यूज़ हो गया तो सर्किट ओपन हो जाएगा, तो बाकी का एलईडी नहीं जलेगा, समझ में आ गया। वही जगह अगर पैरेलल कनेक्शन है, एक एलईडी अगर फ्यूज़ हो जाता है तो बाकी एलईडी के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका, ठीक है। क्योंकि ये फ्यूज़ हो गया तो ये सब में सेम जो पहले जैसे चलता था उसी तरह चलेगा, लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं है। तो आपका इसमें क्या है कि देख लो, दिखा देता है, तो आपका इसमें क्या है कि अगर एक एलईडी सीरीज कनेक्शन है, अगर इसमें से कोई भी एक एलईडी अगर फ्यूज़ हो गया तो पूरा सर्किट ओपन हो जाएगा, तो एक भी एलईडी नहीं जलेगा, ठीक है। तो अगर एलईडी ख़राब होता है, आपका एलईडी बल्ब में अगर एलईडी ख़राब होता है, बोर्ड को साइड में रखो, बोर्ड का हम लोग फिर से बताएंगे बोर्ड कैसा ठीक करना। अगर एलईडी खराब फ्यूज़ होता है कोई भी, तो उसको कैसा सॉल्व करना हम बताता है। तो देखिए, पकड़ लिया हम लोग के लास्ट एलईडी ख़राब हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, लास्ट एलईडी को ना, लास्ट एलईडी का पॉजिटिव नेगेटिव को शॉर्ट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, लास्ट एलईडी से पहले जितना भी एलईडी है वो प्रॉपरली काम करेगा, समझ में आ गया। अगर सोचिए फर्स्ट वाला एलईडी खराब हो गया, नहीं तो बीच में ये एलईडी खराब हो गया पकड़ लो, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव को क्या है, हम लोग शॉर्ट कर देना है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव शॉर्ट करके तो क्या आएगा, सर्किट पूरा क्लोज हो जाएगा। जो वो एलईडी क्या करते हैं, सोचो ये खराब हो गया ना, तो ये क्या करते हैं, सर्किट को ब्रेक कर देते हैं, इधर से ऑफ कर देते हैं, ठीक है, ओपन कर देते हैं। तो इसको क्या शॉर्ट कर देंगे तो क्या होएगा, क्लोज सर्किट हो जाएगा, इससे पहले जितना भी सारा एलईडी है सारा जलेगा, समझ में आ गया। तो हम लोग वही करना है, ये जो पैनल है, जो एलईडी का स्ट्रिप है, इसमें हम लोग को ढूंढना है कि कौन सा एलईडी फ्यूज़ है। जो एलईडी फ्यूज़ है उसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे दोनों साइड, ठीक है, बोले से ए साइड ऐसे शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे तो बाकी सारा एलईडी जलेगा, ठीक है। तो कौन सा एलईडी फ्यूज़ है उसको डिटेक्ट करने का तरीका बताता, ठीक है। आपको मैंने 12 वोल्ट का बैटरी लेना है, ठीक है, देखिए 12 वोल्ट का बैटरी है, 12 वोल्ट का बैटरी लेके एक एक इंडिविजुअल एलईडी को टेस्ट करना है। तो जो वाला एलईडी नहीं जलता है वो खराब है, उसको क्या करिए, आप सोल्डरिंग आयरन से निकाल दीजिए और उसको शॉर्ट कर दीजिए दोनों टर्मिनल, समझ में आया। हम करके दिखा देता, देखिए ये देखिए ये एलईडी जलता है, ठीक है, ये फ्यूज है, ये जलता है, इसमें दो एलईडी खराब था, दोनों को निकाल के शॉर्ट कर दिया, ठीक है। हम क्लोज लूप दिखाता, ये देखो, ठीक है, ये देखिए गाइस, ठीक है, इसमें देखिए, ये जो थर्ड नंबर 1 2 3 थर्ड नंबर का एलईडी खराब था, फिफ्थ का एलईडी भी खराब था। हम क्या किया, ये दोनों इस तरह आप शेल्डिंग करने के ऊपर पकड़ेगा ना, एलईडी पूरा पिघल के बाहर आ जाएगा। फिर आप क्या करो, एक थोड़ा सा लेड लेके इसको शॉर्ट कर दो, इसका दो टर्मिनल रहेगा इसमें, ठीक है, ये जो दो टर्मिनल है इसको शॉर्ट कर दो, इधर दो टर्मिनल रहेगा शॉर्ट कर दो। तो 1 2 थर्ड नंबर 4 5 ये दो मेरा ख़राब था, दोनों को हम शॉर्ट कर दिया, बोलने से दोनों का एनोड और कैथोड को शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अभी इसको चला के देखते हैं, ठीक है, अभी हम इसको कैप ऑफ डाल देगा, आप बोलेगा दूसरा वीडियो है, ठीक है, दूसरा एलईडी यूज़ करते, तो हम कैप नहीं डाला अभी भी, हम फिर से दिखाएगा, आप लोग कैप डाल के टेस्ट करिए इसका, ये देखिए, ठीक है, बराबर वर्किंग है, तो कैप डाल ही देता भाई, कब शॉर्ट आउट मार देगा मुश्किल है, ये देखिए, ठीक है।
अगर देखिए अगर पुलिस ये क्या भाई ये भी खुल गया कभी शॉक लगेगा मेरे को। देखिए कॉन्सेप्ट वही सेम है ठीक है, अगर पांच एलईडी खराब है 15 में से पांचों को आप निकाल दो, निकाल के उसके एनोड कैथोड शॉर्ट कर दो तो पांच खराब है तो 20 एलईडी है, पांच खराब है तो बाकी 15 आपका बराबर जलेगा ठीक है। अगर एलईडी में प्रॉब्लम है, अगर बोर्ड में प्रॉब्लम है तो पार्ट टू में हम बोर्ड में प्रॉब्लम है तो कैसा रेक्टिफाई करना वो भी बताएंगे। तो चलिए गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मिलते हैं नए धाचू वीडियो में।